जी अस्सलाम वालेकुम। सो राइट हियर यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर बिलाल फ्रॉम रशिया सेंट पीटर्सबर्ग। तो खैर अभी तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस खत्म हो गई है, 11:30 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने डॉर्मेटरी की तरफ, अबशीशीतिया, जिसको कहते हैं रशियन में अबशीशीतिया की जानिब में जा रहा हूँ। तो खैर विंड है काफ़ी, आवाज़ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी सुनने में, बहरहाल कोशिश तो मेरी जारी है कि आपको पूरी आवाज़ पहुँच गया है। तो मामला ये है कि भाई अभी यूनिवर्सिटी के, मुझे लगा कि कुछ स्कॉलरशिप वगैरह इनके इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो एज यू नो कि स्कॉलरशिप वगैरह ये अनाउंस करते हैं, आई होप यार मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मतलब अप्लाई करोगे। तो उम्मीद है चांसेस ज़्यादा हैं, बस आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखिएगा, जो रिक्वायर्ड्स जो क्राइटेरिया हैं इनके उन पे पूरी तरीके से उतर आइएगा। तो आई होप इंशाल्लाह यू गोना विन द स्कॉलरशिप, राइट। बट फर्स्टली द थिंग आई वुड लव टू एडवाइस यू इज जस्ट दैट वन, फर्स्टली यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन the criteria what they are basically demanding from you, right? So basically aap se wo kya chah rahe hain, aap unko wo documents provide kare, koshish kare unhe wo fact bataye jo haqeeqatan hain, baki matlab aapko kuch documents shuru mein chahiye hote hain, maslan aapke paas aapki degrees honi chahiye, transcript aur full degree aapke paas honi chahiye number 1, aur secondly agar aap baat kare to aapke paas bahol aapki marksheet, एक मार्कशीट, ठीक है, फिर दूसरी आपके पास होनी चाहिए आपकी डिग्री, ये हो गई कंप्लीट होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो ये कंप्लीट चीज़ें होंगी, दो चीज़ें ये हो गई। फिर आपने क्या करना है, IBCC जाना है। अगर आप कराची से हैं तो आपको IBCC जाना है। पहले सबसे पहले अपने बोर्ड पे आप जाएंगे, चाहे आप टेक्निकल बोर्ड के थ्रू जाएँ या आप इंटरमीडिएट कराची बोर्ड या हैदराबाद बोर्ड के थ्रू आते हैं, तो मतलब ये भी वैलिड है, लेकिन पहले बोर्ड से आप वेरीफाई करवाएंगे, देन उसके बाद आप बोर्ड पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको वेरीफाई करके दे दें IBCC के लिए। जब आप जाएंगे वो आपको स्टैम्प एनवलप में करके स्टैम्प करके दे देंगे, ठीक है, ये पहला प्रोसेस है। देन उसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये है, जब आप बोर्ड से फ्री हो जाते हैं तो आपने जाना होता है IBCC आप जाएंगे तो IBCC से आप कहेंगे कि भाई मुझे इनको अटेस्ट करके दे दें, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली विद इन द सेम डे आपको मिल जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे में भी आपको दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो मतलब ये दो काम ज़रूरी हैं उसके बाद। लेकिन सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने का प्रोसेस ये होता है कि आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, मतलब 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब 5 से 4 यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करोगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। आप पहले रिसर्च करेंगे कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है, वेदर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप जो है ना मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या बैचलर के लिए। चांसेस बहुत हैं, ये नहीं कि यार बैचलर वालों के नहीं लगते हैं स्कॉलरशिप, लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी लग गई, 2-3 और दोस्त हैं उनकी भी लग गई, लग जाती है। आपने क्या है कि बस आपने खुद को मोटिवेट करना है, खुद को बूस्टअप करो कि भाई हो जाएगा, अप्लाई करो, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करो, आप देखो आपको कौन सी सिटी में पढ़ना है, ठीक है, ये बात ज़रूरी है, कौन सी सिटी में पढ़ना है, मॉस्को में पढ़ना है, सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ना है, टॉम्स आपने टॉम्स्क में जाना है, कहाँ जाना है, उसी हिसाब से फिर आप चीज़ों को प्लान कीजिएगा, ताकि आसानी से आप फिर उसी हवाले से सर्च करिएगा इंटरनेट पर, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ़िलहाल तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, बाकी हम तफसील से बैठ के सुकून से आराम से प्यार नाल बात करेंगे इस हवाले से। अभी खैर आप यस, दिस इज़ एल्विस, माई फ्रेंड एंड माई क्लासमेट एज वेल, सो वी गोना आस्क द क्वेश्चन टू हिम, हाउ ही जस्ट यू नो केम हियर एंड ऑन विच स्कॉलरशिप ही जस्ट यू नो विच स्कॉलरशिप ही एज वन, राइट मिस्टर एल्विस, यस लेट अस नो अबाउट योर व्यूज। I came here as a refugee from
station in Russia. Well, sorry for interruption. I guess your face is not clearly visible. So please, would you don't mind to just, you know. It's cold. Oh, right. Okay. It's okay. Yeah. I came here from the scholarship of education in Russia. Okay. I was once in Grozny, but I shipped to Petersburg. Uh-huh. And the scholarship is good. Right. It's good. They play the school fees and everything. The weather is good. Right. What about the weather of St. Petersburg here? Yeah. How you feel it? When it's cold, it's cold. When it's warm, it's very good. Ah, right. It's not different than Africa. It's warm. Not that hot, but good weather that you can manage. Okay. So it means you would suggest newcomers what they have to do, because we have made a couple of mistakes here. Then you have to say they have to avoid those mistakes which we made. Which I didn't understand. Which mistake? Mistake that your people usually make is not come with weather clothes. Yeah, bring cold clothes, right? सो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अपने साथ भाई गर्म कपड़े वगैरह लेके आए, वो कोलवा जो कॉमन में है, कोलवा है, राइट? तो कोलवा भी हमारे क्लासमेट है. तो ये भाई साहब कह रहे हैं, एलवेज कह रहे हैं कि भाई अपने साथ आपने गर्म कपड़े लेके आने हैं. सो गर्म कपड़े लेके आएंगे आप सेफ रहेंगे, वरना यहाँ पे ना तुम्हारे दांत बाहर निकल आएंगे. कह रहे ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, चिल करो यार. बाकी हाँ, कपड़े गर्म लेके आइएगा ताकि आप इजीली चीज़ों को ना आप इजीली सर्वाइव कर सको. यहाँ पे चीज़ें कुछ मिल जाती हैं लेकिन थोड़ी बहुत महंगी हैं, इसलिए आप मतलब शुरू में फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे. तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ से ही चीज़ें अच्छी लेके आएँ, और एक दो जैकेट वगैरह जो भी चीज़ें आप लेके आना चाहते हैं तो लेके आएँ. बाकी ज़्यादा इतना कुछ नहीं, सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं. हाँ, स्पेशली जब आप अगर आप कराची से आएंगे तो भैया मसाले वगैरह अपने साथ लेके आइएगा, वरना यहाँ पे ना तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेंगे. मसाले यहाँ पे मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन कराची की बात ही तो मतलब खालिद है ना, तो मतलब वही तो कराची वाला माहौल. आप यहाँ अगर बनाना चाह रहे हो सपोज़ बिरयानी वगैरह, कोई कढ़ाई वगैरह, तो भैया स्पाइसी लेके आइएगा अपने साथ. चीज़ें कुछ लेके आइएगा अपने साथ ताकि आप परेशान ना रहें, बस चिल करके लेके आइएगा, रिलैक्स होके आप मतलब अपनी चीज़ों को प्लान करके आइएगा, वरना फिर आप परेशान हो जाएंगे. बगैर प्लान करके आप चीज़ें लेके आओगे, पर लेके तो आओगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आपकी काम की नहीं होगी यहाँ पे. मतलब समझ जाओ, ऐसे कपड़े मत लेके आइएगा जो आप जिससे आप परेशान हो जाओ और परेशान रहो, मतलब कि यार पहन के भी ठंड लग रही है ना, तो वो वाला सीन ना हो. देखें, अपने पास एक जैकेट भी है लेकिन हर नॉर्मल है, चिल कर रहा हूँ मैं, लेकिन ठंड फाड़ के जा रही है भाई अंदर. मतलब वही वाइब्स आ रहे हैं जो मुझे परेशान, मतलब परेशानी हो रही है, लेकिन खैर चिल कर रहा हूँ. तो अब हम जा रहे हैं पीटर क्रक्स का या स्टेशन. ये कुलवा साहब थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों. गोरियाँ देख रही हैं, हम बड़े परेशान हैं. आपका भाई hey, खुल वाह, आर यू डूइंग गुड? आई एम गुड, हाउ आर यू? खराशो ब्रो. राइट, सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली वी हैव टू फॉलो हियर इन सेंट पीटर्सबर्ग. थिंग्स आर वेरी इजी, यू कैन इजीली यू नो कॉप अप विद देम एंड डू मिंगलिंग विद पीपल. राइट, सो हम यही बात कर रहे थे कि भाई देखो ना, एक चीज़ है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारीज हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. अगर कमेंट सेक्शन में ना पूछ पाए तो मेरा ईमेल मैं कोशिश करूँगा, वो साइट पे दे दूँगा. अगर वहाँ वो भी ना कर सका तो मैं ईमेल आपको वर्बली बता रहा हूँ. राइट, तो वर्बली बता रहा हूँ DL Balushi, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए. बर्द में कोशिश करूँगा कि वहाँ लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा आपको. अगर मैं कर सका तो सॉरी फॉर दैट वन. ठीक है, बहरहाल कोशिश करूँगा कि चीज़ें सिंपल रखूँ और आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ताकि क्योंकि आपको फ़ायदा हो बस. राइट, तो हम अभी मेट्रो के थ्रू जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं थोड़ा सा. मतलब आप देखो, गोरी को देखो भाई, तुम ज़रा मैं चिल करो, मतलब समझ रहे हो. ट्रक पर तो अपना छोड़ दो भाई, सीधे से मतलब सलीके से चलो, कबर में मसले हो जाएंगे. वो माई तो मतलब क्या बोलते हैं, छोड़ दो अभी भाई, कोई मैं कोई वो तो नहीं करता हूँ. खैर,
मतलब हो जाता है, चलता है। और हम फिलहाल जा रहे हैं घर की जाने, बहुत ही करीब है घर के, अपने डॉर्मेट्री के। अब फिलहाल काम यही है कि भाई जाना है, क्योंकि क्लासेस के बाद थोड़ा सा बंदा एग्जॉस्टेड होता है और क्लास ख़त्म होके ही मतलब थोड़ा सा चिल करना होता है, राइट। बहरहाल ये प्योनरिस्का स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में, तो बहुत ही करीब है सिटी मॉल के, जहाँ मतलब आप सिटी मॉल आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्थान से मतलब मेट्रो स्टेशन जो आपको पड़ती है वो यही है। उसके बाद फिर पीटर्सबर्ग का या चारना हेरिज का वगैरह वगैरह से फिर आप आ जाते हैं। खैर दुआ है कि सुना है कि यार कराची में भी कि मेट्रो की प्रोसेस वगैरह काम हो रहे हैं, तो उम्मीद है हो जाए तो बेस्ट है। मतलब अगर हो गया तो समझ जाओ यार बोल रहेगा अपने लिए भी, अगर आप देख रहे हैं आना जाना किस तरह लोग आ रहे जा रहे हैं। बाकी तो आपने मुलायजा फरमा दिया इस वीडियो के अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल हमने करना है स्टोर बंद, बाकी फिर हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, राइट।